ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मैं निशा भारती, देवसंगा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, देवघर झारखंड से बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका। यहाँ उपस्थित सभी महाराज तथा यूथ डेलीगेट्स को मेरा नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज ऐसे प्रकाशपुंज के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिनके बारे में कुछ भी बोलना छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। स्वामी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अनमोल विचार तथा कही गई बातें युवाओं में जोश फूंकने का काम करते हैं और यही वजह है कि 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। स्वामी जी की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा ज़रूर होती है। यह वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। स्वामी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विद्वानों के सामने भारत के सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या कर भारत को विश्व गुरु के रूप में एक नई पहचान दिलाई। उनका आध्यात्मिक विकास श्री रामकृष्ण जी के सानिध्य में हुआ था। मनुष्य का चरित्र उसके विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है। सुख और दुख जो जो मनुष्य की आत्मा से होकर गुजरते हैं वे उस पर अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं। इन्हीं विभिन्न छापों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे चरित्र ने हमें बनाया है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। हमारा प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े के हथौड़े के हल्के चोट के समान है। प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य हो तो मनुष्य का चरित्र भी अच्छा होता है और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। मन में ऐसे बहुत से संस्कार इकट्ठे होने पर वे आदत या अभ्यास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चरित्र तो बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। सहायता कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है क्योंकि इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। यदि हम परिवर्तित हों तो संसार परिवर्तित होगा, यदि हम निर्मल हों तो संसार निर्मल होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं जब तक कि मैं दोषमय ना हो जाऊं? जब तक मैं दुर्बल ना हो जाऊं तब तक मैं दुखी नहीं हो सकती। यही संसार सुखमय हो जाएगा यदि मैं अपने मन को परिवर्तित कर लूं। यदि यह कमरा अंधकार पूर्ण हो जाए और हम रोने लगे कि हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है, तो क्या इससे अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं ना। दिया माचिस जलाओ तो क्षण भर में ही अंधकार दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित तो करो, अपने चरित्र का निर्माण करो तथा उसी ज्योतिर्मय उज्ज्वल प्रकृत शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो और प्रत्येक आत्मा में उसी ज्योति का उजागर करो। मैं रामकृष्ण मिशन देवघर तथा रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ का आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस यूथ कन्वेंशन में हिस्सा लेने का मौका दिया तथा इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त मिला है। अंत में स्वामी जी के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। धन्यवाद।